नमस्ते स्टूडेंट्स, कुछ लोग बिटिया हो आई लोग बिटिया हो आई जेवीएन डॉक्टर नरेंद्र सिंह शेखावत असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ सल्लेता यूजी डिपार्टमेंट ऑफ सल्लेता फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस ज्योति विद्यापीठ एंड जयपुर। क्लिनिकल कंसल्टेंट इन सूर्यांश आरोग्यशाला ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल जयपुर। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रच्छान कर्म। प्रच्छान कर्म इज अ पार्ट ऑफ द रक्त स्राव। शस्त्रगत रक्त विसर्जन शस्त्र के द्वारा जिससे रक्त मोक्षण किया जाता है वो प्रच्छान कर्म है। अब शिरावेद शिरावेद इज द आल्सो द पार्ट सेकंड पार्ट अनदर इन सेकंड पार्ट ऑफ द शस्त्रकृत रक्त विश्रावण। सो स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन विद शिरावेद मैथ इंपोर्टेंस ऑफ शिरावेद। शिरावेद चिकित्सा और शल्य तंत्र परिगृहित यथा प्राणी हितम सम्यक बस्ति का चिकित्सन्ते। प्राणी समय बस्ती काय चिकित्सा के आठ अध्याय में बताया था। काय चिकित्सा में बस्ती चिकित्सा या संपूर्ण चिकित्सा अर्धभाग होते तद्दत ही सम्यक शिरावधि या संपूर्ण शल्य चिकित्सा का अर्धभाग स्नेहादि भी क्रिया योग तथा लेपने रपी याद शांति यथा सम्यक शिरावेदा चिकित्सा करने पर व्याधि शीघ्रता पूर्वक शांत होते हैं। शिरावेदन अयोग्य रूप बाल स्थिर रूप से सख्त शीर्ण वीरु परिश्रांत मध्य पाद योग्य अयोग्य रुग्ण निम्न प्रकार के रुग्णों शिरावेदन दृष्टि से योग्य होते हैं। बाल स्थिर वृद्ध रुक्ष क्षतशीन भीरु परिशांत थका मध्यपी स्त्री वमन स्थापन अनुवासन चिकित्सा किया हुआ जागरण करने वाला क्रिया आक्षेप पक्षाघात उपवास उपवास मूर्छा आदि व्याधियों से पीड़ित रुग्णों में शिरावेदन न करें। व्यास च वैद्य व्याध्यास च दृष्टा दृष्टा सुनो निंद्रित शिरावेद करने योग्य शिरा होने पर भी निम्न अवस्थाओं में शिरावेद कथा भी न करें। स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली शिरा स्पष्ट दिखाई देने पर भी ग्रहण करने योग्य न होने वाले सिर बंद बांधने पर भी यंत्रणा स्पष्ट न होने वाले सिर ये सुपद्रव अत्यधिक व्यप्रद अवस्था में प्रतिसिद्ध सिरों का भी भेद किया जा सकता है। वैद्य योग्य काल रब्रे वर्षा सुविद्येत ग्रीष्म काले तो शीतले हेमंत काले मध्याय शस्त्र कालास्त्र स्मृत।
ग्रीष्म ऋतु में शीतल समय में अर्थात संध्या समय में, हेमंत ऋतु में मध्यकाल में रक्त मोक्षण करते हैं। खाना अनुसार वेद्य विधि उष्ण काल में जोरदार हवा बहने पर होते आकाश में खाजित होने पर किसी प्रकार का व्याधि न होने पर शिरावेद न करें। तत्र स्निग्धम सिन्नम आतुरम यथा दोष प्रत्यनिकम त्रयम प्राय अन्न भुक्तम यवागु पीतवंतम वा यथा कालम उपस्थ मानव सीनम व प्राणाय बाध्य मानो वस्त्र पट चरमंतल लता अन्यत यंत्रित्व नाति गाढ़म नाति शिथिलम त्रयम प्रदेशम असाध्यम यथोक्तम शस्त्र गृहीत शिरा विद्येत। प्रभाव का द्रव सेवन कराए तत्पश्चात योग्य कालीन रूप को बिठाकर खड़ा करके वस्त्र पटे चरण लता नति शीतल स्वरूप का बंद बांधे तथा शिरावेद करें। रक्त मोक्षण मध्यम श्रावित रक्त मात्रा बलिनो बहुदोषस्य वयस्तम शरीरणम परम परमाणम जन्ति प्रस्तम शोणितम उपक्षण बलवान रुग्णों में अत्यधिक दोष प्रकोप होने पर वयस गुण में अधिकतर एक प्रस्त रक्त मोक्षण करे पश्चात समय पश्चात रक्त शीतल से कर उपचार करें तथापि वाते दोष प्रकोप होने पर उन्हें स्थान पर पोषण करके प्रक्षेप करें। सम्यक विद्य लक्षण शस्त्र प्रयोग के पश्चात शिरा के द्वारा स्वरूप में रक्त बाहर निकलता रहता है और थोड़े ही समय पश्चात वह द्वारा समय रुक जाती है। इसी स्वरूप का शिरा सम्यक सुविध माना जाता है। अभी जो दुर्विध लक्षण अयोग्य शिरा विद होने बात आती दोष प्रकोप उत्पन्न होकर कंडू दार पाक राग शोक वेदना आदि दोष प्रतिनिधि लक्षण व्यक्त होते हैं। रक्त श्रवण साधनों का वातानुकूल प्रयोग रक्त मोक्षण के सभी साधनों का समय विचार कर सुसूत्र ने प्रत्येक साधन का विशेष स्थान अनुकूल वर्णन बताया है। इसके अनुसार शिरा विषाण तुम्बेस्तु जलों का पदस्थ अवगाढ़ पूर्व निर्हरेत दुष्टि शोणितम अवगाढ़े जलों का शात प्रजन्नम पीड़िते हितम शिरा अंग व्याप्के रक्तम संगे संग जलाभूप त्वचि स्थितते। ये बताया सुसूत में सारे स्थान के अध्याय आठ में। तो स्टूडेंट दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जो फिर जब तुम जो डी एन जयपुर। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद दिस डिजिटल सेशन। इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी प्लीज मेंशन इन कमेंट्स सो आई विल रिजॉल्व इट सून। Thank you, students.